हे गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने ऑलरेडी LG G8X स्मार्टफोन को खरीद लिया है 20,000 रुपये में मेरी तरह, तो आप ही परेशान होंगे कि मैं कौन सा चार्जर लूं अपने LG G8X के लिए जिसको मैं उसको वायर्ड चार्जर से चार्ज कर पाऊं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी कुछ सर्च किया, मैंने अमेज़ॉन देखा, मैंने फ्लिपकार्ट देखा और मैंने कई सारे ऐसे लोकल शॉपिंग साइट्स भी थी जहाँ पर मैंने ट्राई किया, बट वहाँ पर मुझे LG G8X का चार्जर नहीं मिला। दूर दूर तक वहाँ पर जो भी चार्जर मुझे दिखे वो या तो फेक थे या तो किसी दूसरे कंपनी के थे या तो अजीब तरीके से, मतलब उसका LG से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। तो इस वजह से मैं उन सभी चार्जर को रिकमेंड नहीं करूंगा, बट यहाँ पर मुझे LG G8X के लिए चार्जर मिल चुका है और ये जो चार्जर है वो जेन्युइन है और ये पूरी तरीके से 100% LG का ही चार्जर है। मैं यहाँ पर आपको लिख कर दे देता हूँ, बट ये चार्जर है कौन सा और इसको हम परचेज कैसे कर पाएंगे और ये कहाँ मिलेगा, सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ और इस वीडियो में। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगा कि किस तरीके से आप इसको परचेज कर पाएंगे, किस तरीके से आप इसको इम्पोर्ट करवा पाएंगे, सारा कुछ बताऊँगा, कैसे आप पेमेंट करेंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम महेश और आप देख रहे हैं गीक माही। वैसे अनबॉक्सिंग वीडियो तो कल आने ही वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अनबॉक्सिंग वीडियो मैं कल ही लेकर आने वाला हूं, क्योंकि जो मेरा LG G8X स्मार्टफोन है वो कानपुर में पहुंच चुका है और बहुत ही जल्द प्रयागराज में पहुंच जाएगा। तो उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो मैं कल ही कोशिश करूंगा कि डाल दूं क्या क्या मिलता है बॉक्स के अंदर, सबको सब कुछ आपको फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो दे दूंगा, फिर उसके बाद आपको रिव्यू वीडियो होगा वो कुछ दिनों बाद आएगा। तो अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो अब ये बात आ जाती है कि LG G8X स्मार्टफोन जिसने खरीद लिया है, बॉक्स में तो उन्होंने चार्जर नहीं दिया है और मैंने लोकल स्टोर से भी पता किया और जो सर्विस सेंटर होते हैं वहाँ पर भी पता किया, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर LG G8X स्मार्टफोन के लिए कोई भी चार्जर अवेलेबल नहीं है। तो अब ये बात फंस जाती है कि हम चार्ज किससे करेंगे। मेरे पास तो कई सारे चार्जर हैं, मेरे पास Asus का भी चार्जर है, Asus ROG Phone 3 का चार्जर है जो 30 वाट की चार्जिंग देता है, ये क्विक चार्ज 4.0 सपोर्ट करता है, बट यहाँ पर ये जो चार्जर है वो Asus का है ना कि LG का है, तो इसको भी मैं लगा कर देख लूंगा। बट यहाँ पर मेरे पास Samsung का भी चार्जर है, Realme का भी चार्जर है, लेकिन ये सभी जो चार्जर है वो LG के जो एल्गोरिदम है उससे मैच नहीं करते हैं, तो इसलिए मुझे चाहिए LG का ओरिजिनल चार्जर। आपको भी ओरिजिनल चार्जर चाहिए तो किस तरीके से आप इसको परचेस कर पाएंगे। एक्चुअली में ये जो चार्जर है वो मुझे मिला है Amazon के US पेज पे, यानी Amazon US का जो पेज है वहां पर मैंने इसको सर्च किया और ये मुझे मिल रहा है और ये जो चार्जर है वो वहां से इंपोर्ट होकर मेरे यहां पर आ जाएगा, यानी कि आप भी अगर ऑर्डर करेंगे तो ये आपके पास भी ये चार्जर आ जाएगा और ये LG का जेन्युइन चार्जर है। अब मैं यहां पर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप इसको ऑर्डर कर पाएंगे और किस तरीके से आप इसको पहले सर्च कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करते ही आपको चले जाना है amazon.com/US, आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आप चाहें तो न्यू टैब में जाकर सीधा सीधा आप लिखिए LG G8X चार्जर, जो यहाँ पर आप तीसरे नंबर का देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है। तो यहाँ पर अब आने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे फेक्स दिख जाएंगे, बट यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस पर जाएं, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फॉर LG G8X थिंक यू ओरिजिनल जेन्युइन फास्ट चार्जर, तो इस पर आपको चले आना है। ये है amazon.com का US पेज, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है सी बाइंग ऑप्शंस और ये आपको यहाँ पर इसकी प्राइस दिख रही है। एक्चुअली में ये जो प्राइस है 11.90, यानी कि ये डॉलर में है, और इसको मैं अगर कन्वर्ट करके बताऊं तो इसकी जो एक्चुअल प्राइस यहां पर पड़ती है वो पड़ती है 903.44 रुपये, यानी कि 903.44 रुपीज़। तो यहां पर ये तो इसकी कॉस्ट पड़ जाती है, बट यहां पर असली खेल ये नहीं है, ये चार्जर वाकई में बहुत महंगा पड़ जाएगा जब आप इसको इंडिया में इंपोर्ट कराएंगे। फिर यहां पर जब आप आएंगे तो यहां पर दो सेलर आपको दिख रहे हैं, पर मैं यहां पर कहूंगा कि आप पहले सेलर की तरफ जाएं, क्योंकि वहां पर इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी दी गई है। तो ऐड टू कार्ट में जाइए, फिर उसके बाद जो आपका ये चार्जर है वो आपके कार्ट में ऐड हो जाएगा। तो मैंने ट्राई किया था, तो इस वजह से यहाँ पर दो दिखा रहा था। तो यहाँ पर अब आपको प्रोसीड टू चेकआउट पे जाना होगा। प्रोसीड टू चेकआउट पे जाइए और आपको यहाँ पर आपके एड्रेस यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड लिख देता हूँ, तो यहाँ पर ये हो गया मेरा पासवर्ड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो ये एड्रेस है यहाँ पर आ जाएगा, जिस भी एड्रेस पे आप चाहें इसको मंगवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डिलीवर टू दिस एड्रेस, यानी अपने एड्रेस पे डिलीवर कराऊंगा। तो अब यहाँ पर खेल ये शुरू हो जाता है कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि आपको यहाँ पर एक शिपिंग चार्ज भी पड़ रहा है, तो शिपिंग चार्ज आप देख सकते हैं कि कितना पड़ रहा है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू करते हुए आपको पेमेंट मोड पर सेलेक्ट करना होगा। पेमेंट मोड को
सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो आपको यहाँ पर कितना चार्ज देना पड़ रहा है। एक्चुअली में इसकी शिपिंग कॉस्ट सिर्फ है $21.99, यानी कि इसका जो चार्जर है उससे भी ज़्यादा आपको पैसा पे करना पड़ेगा इसके चार्जर को ख़रीदने के लिए, तो बहुत ही महंगा है। अगर आप सच में चाहते हैं इसको परचेस करने के लिए, अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं, चाहते हैं तो इसको मंगवा सकते हैं अमेरिका से। और यहाँ पर आप इसका टोटल अमाउंट देख सकते हैं, ₹2572 का LG G8X का चार्जर है। तो अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सब कुछ कंटिन्यू करते हुए, अपने पेमेंट मोड को सिलेक्ट करते हुए आप यहाँ पर इसको प्लेस टू INR में, फिर उसके बाद आप यहाँ पर चाहें तो करेंसी को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप जिस करेंसी से भी चाहें आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेमेंट मोड होगा वो आप वीज़ा से कर सकते हैं, पेपल से कर सकते हैं, मास्टर कार्ड से कर सकते हैं, अगर आपके पास रुपे कार्ड होगा तो। मुझे वहाँ पर ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था, तो अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है तभी आप इसको पेमेंट कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात ये फंस जाती है कि क्या आपको ये चार्जर वाकई में ख़रीदना चाहिए कि नहीं। तो अगर आप चाहते हैं LG G8X स्मार्टफोन के लिए चार्जर परचेस करने का, और अगर आप वेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस चार्जर की तरफ जाएं, इसको परचेस कर लें। बट ये आप ध्यान दीजिए कि ये आ रहा है चार्जर अमेरिका से, तो अगर आप चाहते हैं तो इसको परचेस कर सकते हैं। अब आप मुझे अपने विचारों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे पास जितने भी चार्जर हैं, जैसे कि मेरे पास ये वायरलेस चार्जर है, मेरे पास ये एसस का भी चार्जर है जो 30 वाट की चार्ज 4.0 को सपोर्ट करता है, फिर उसके बाद मेरे पास और कई चार्जर है, तो सब कुछ चार्जर्स में आपको टेस्ट करके बताऊँगा कि ये काम करता भी नहीं है कि नहीं जो LG G8X है। बाकी अपने विचारों को कमेंट करके बताइए कि आपको ये चार्जर एक्चुअली में परचेस करना है भी कि नहीं, और मेरे पास आ जाने दीजिए डिवाइस, फिर उसके बाद सारी टेस्टिंग होगी। आप जो भी उस डिवाइस से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपके हर सवालों के जवाब को आपको वहां पे कमेंट बॉक्स से दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, अब मिलता हूं मैं सीधा आपसे अनबॉक्सिंग वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर तो ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं अनबॉक्सिंग वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।